देख सकते हो दोस्तों, अभी हम 4 बजे भोर से लगे हुए हैं। यहाँ घर पे भगवान का स्थान था और ये अभी बहुत मेहनत करने के बाद ये साफ निकला है। देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा कहीं भी 15-20 इंची का दीवार लगता है मिट्टी पे, गिला पे, तो हरगिज के वहाँ पे चूहा जो है से घर बना लेता है, आशियाना बना लेता है। और ये इसका फेवरेट भोजन होता है चूहा, क्योंकि चूहा को खाने के लिए आपके अब मेरे घर में ऐसा सांप प्रवेश करता है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इतना हॉल करने के बाद घर के अंदर भी बहुत सारा देवाल तोड़े हैं। उसके बाद ये स्नेक निकला गया दोस्तों, लेकिन इसको हम इसलिए दाब दिए क्योंकि यहाँ पे सुरंग बहुत है, नहीं तो ये भागता बहुत है, इसके अंदर फुर्ती बहुत है दोस्तों। देख सकते हैं, और ये कोबरा सांप है दोस्तों, इसी को नाग बोलते हैं और इसी को पेटार बोलते हैं दोस्तों। देख सकते हैं, और ये देखने में जितना खूबसूरत होता है दोस्तों, उतना ही खतरनाक भी होता है दोस्तों। देख सकते हैं, इसी को नाग बोलते हैं और इसी को पेटार बोलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देख सकते हैं सांप के अंदर, देख सकते हैं फुर्ती कितना है। देख सकते हैं इसका पूछ बाहर आ गया, हाई बड़ा डॉग है। देख सकते हैं ये सांप बहुत चालू है, बार बार पूछ अंदर कर लेता है। मम्मी निकाल, हर बार ये नहीं देखता है, देख रे बाप रे, देख रे मुझको से खा रही है, जब की कोकनी काट ली, कोकनी काट जब तक पूछ। देखिए ये सांप जो है से बहुत दिक्कत हो रहा है पकड़ने में, और ये बहुत गुस्सेला भी है। पूछने डिब्बा लेके आइए, इधर बाहर डिब्बा लेके देखिए भाग जाते हैं। देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर जहर होता है, जीनोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। अगर ऐसा सांप किसी को भी काट ले तो आधा से 45 मिनट आपके पास समय रहेगा, उससे पहले आपके एंटीवेनम को जरूरत पड़ेगा दोस्तों। देख सकते हैं अभी हम 4 बजे भोर से इसके बहुत मेहनत की है, तब रेस्क्यू किया गया दोस्तों। देख सकते हैं मेरे 4 बजे भोर से इसको पकड़ रहे हैं, और ये बहुत मेहनत करने के बाद देख सकते हैं मेरा पूरा शरीर घिना गया मट्टी से, और ये सांप पकड़ने में बहुत मेहनत लगा है। और ये सांप जो है से अभी देख सकते हैं, जहाँ बच्चा घर पे सोया हुआ था उसको कान में भी कोई भी चीज़ बाइट कर दिया था, उसको कान से भी ब्लड निकल रहा था, लेकिन हम लोग को लगा कि सांप काट लिया होगा, लेकिन उसको हम लोग देखे कि उसके कान में क्या काटा है, लेकिन वो सांप नहीं काटा था, चूहा हुआ काट लिया होगा। इसलिए घर में जब भी मट्टी का घर में सोइए और कमरा के घर में, तो हमेशा मच्छरदानी लगा के सोया करिए, नहीं तो आदमी को बिछाना के ऊपर चढ़ के भी स्नेक बाइट कर देता है दोस्तों। देखते हैं, और इसी को नाग बोलते हैं और इसी को पेटार बोलते हैं दोस्तों। जब तक इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करिएगा तब तक ये बाइट नहीं करता दोस्तों। अगर ऐसा सांप किसी को भी काटे तो झाड़फूँक के चक्कर में नहीं ना तो मारे जाइएगा, क्योंकि आपका प्राण का रक्षा वहीं पे हो सकता है जहाँ पे इसके एंटीवेनम उपलब्ध रहता है। देखिए दोस्तों, ये सांप को हम उसको पैक करते हैं, फिर इसको छिड़क पर ले जाकर फिर उसको रिलीज करेंगे दोस्तों। देख सकते हैं जब निकला है तो यही सब चल रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसा वीडियो देख के ऐसा गलती नहीं करिएगा, क्योंकि काम स्पॉट का खतरा इसी समय होता है।